स्वागत है आप सभी का ब्लॉगिंग ऐप का यूट्यूब चैनल पर। अगर आपका एड लिमिट नहीं लगा है तो उसे कैसे हम बचाएंगे, मतलब एड लिमिट लगने से बचाएंगे, तो थोड़ी हम वही बात करेंगे। तो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एड लिमिट नहीं लगे उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आप ये है कि आप अपने हर पोस्ट के लिए या फिर हर अलग पेज के लिए आप अलग से जाके एक नया नया एड यूनिट बनाओ अपने एडसेंस अकाउंट में। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे क्या होता है, आप एक ही एड कोड को हर जगह अपने ब्लॉग में डाल रहे हो, तो सिंपल सी बात है आप एक ही पेज पे उस कोड को 3-4 बार रिपीट कर रहे हो, तो गूगल ये सब ट्रैक कर लेगा कि एक ही पेज से इसके इस एड कोड पर कम से कम 3 या 4 इंप्रेशंस आ रहे हैं। या तो आप हर एक पेज के लिए या फिर पोस्ट के लिए अलग एड यूनिट बनाओ, या फिर आप मैनुअली एड प्लेस कर रहे हो और आप चाहते हो कि एक पेज पे आपको 2 या 3 डालने हैं, तो आप ऐसा करो कि 3 एड यूनिट बना लो अलग अलग और हर पेज में आप एक एक करके 1-2-3 ऐसा करके डालोगे। वही जब यूज करोगे वही से जब आप बाकी पेजेस में भी करोगे। एक पर्टिकुलर सिर्फ एक ही एड यूनिट को आप हर जगह प्लेस मत करो, या फिर सबसे बेस्ट उससे अच्छा रहेगा आप ऑटो एड्स ही रन करो अपनी वेबसाइट पर। फिर एक चीज़ आती है कि हम जब अपने वेबसाइट को चेक करते हैं या फिर हमने नया पोस्ट डाला होता है या फिर हम अपने वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर रहे हो, तो हम बार बार उसे चेक करते रहते हैं कि वो कैसा चल रहा है, कैसा दिख रहा है। वो भी आपके एक ही आईपी एड्रेस से बार बार इंप्रेशंस आ रहे होते हैं और वो आपका सिंपल सी बात है, आपने उसे अपना एडसेंस अकाउंट लॉगिन भी किया होगा तो गूगल उसे ट्रैक कर लेता है कि भाई ये खुद के ही ऐड देख रहा है बार बार, उसके कारण भी एड लिमिट लग सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हो या फिर दूसरा कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, तो उसमें एक्सटेंशंस आते हैं एड ब्लॉकर करके, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो ताकि आप अगर वेबसाइट अपने खुद के यूज़ करो या फिर उसे चेक करो, रिव्यू करो, तो उसमें आपके ऐड शो ना हो। या फिर अगर आप अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी सारे ब्राउज़र एप्लीकेशन आते हैं जिसमें एड ब्लॉकर करके अलग से कॉलम होता है या फिर अलग ऑप्शन होता है, आप उसको ऑन करोगे तो आपके ब्लॉग पे या फिर वेबसाइट पे या फिर आपके ब्राउजिंग में एड्स नहीं आएंगे, जिसके कारण आपको एड लिमिट का चांसेस कम होगा। नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हो कि आपके जो ट्रैफिक सोर्सेस है, कहाँ कहाँ से आपको ट्रैफिक आ रहा है उसको मॉनिटर करना, उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा गूगल एनालिटिक्स। अब उसमें आप अपने साइट में जाओगे, एनालिटिक्स जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, आप जैसे गूगल एनालिटिक्स पे आओगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एक्विजिशन का, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको एक ही ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ऑल ट्रैफिक का, और उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है सोर्स या मीडियम, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके ट्रैफिक सोर्स आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ से आपको ट्रैफिक आ रहा है। ये चीज़ आपको डेली करना चाहिए, आपके ट्रैफिक सोर्सेस कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है आपको वो सब मॉनिटर करना चाहिए। तो अगर आपके वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है रेफरल के थ्रू या फिर डायरेक्ट आ रहा है या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है, तो उसको आपको उसी वक्त आपके जो साइट है उस पर एड्स को रोक देना चाहिए ताकि आपके एड्स लिमिट का इशू ना हो। अगर आपको ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है हाई क्वालिटी का ऑर्गेनिक आ रहा है तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके वेबसाइट पर सिर्फ डायरेक्ट या फिर रेफरल के थ्रू ही आ रहा है या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है, तो उस वक्त आपने साइट पर एड्स को रोक देना। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, लास्ट 7 डेज के मेरे साइट पर डायरेक्ट जो ट्रैफिक है वो 58 है, मतलब डायरेक्ट लोगों ने सर्च किया होगा मेरा ब्लॉगिंग रैप्टर और वो आ गया यहाँ पर वेबसाइट पर, और गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मेरे साइट पर है, तो सिंपल सी बात है मुझे इसमें एड लिमिट का इतना इशू नहीं आएगा। और इस तरीके से आप अपने मॉनिटर कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ से आपको ट्रैफिक आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट का ट्रैफिक मॉनिटर करके आपके अकाउंट पर एडसेंस अकाउंट पर एड लिमिट लगने से बचा सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, आपका जो एडसेंस अकाउंट है उसमें आपको रिपोर्ट्स मिलता है, आपको वहीं पर दिख जाएगा कि आपकी साइट पर कितना CTR है जा रहा है, तो सेफ जो रहता है वो 1-10 के बीच में रहता है, 1-10% के बीच। अगर वो उससे ज़्यादा जा रहा है तो उसी वक्त आप अपने वेबसाइट पर एड्स को रोक दोगे ताकि आपके CTR ज़्यादा बढ़े नहीं, वो मेंटेन रहे, वो आपको ध्यान रखना है। तो CTR मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, आपको यहाँ पर साइट में दिखता है पेज CTR, तो ये मेरा अभी करीब 0.49% दिखा रहा है, तो ये एक तरीके से सेफ ही है। आप ट्राई करना कि 1-10 के बीच में रहे, उससे ज़्यादा ना जाए, अगर उससे ज़्यादा जा रहा है तो उसी वक्त अपने ऐड को रोक दोगे अपनी साइट पर। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आपके जो साइट पर एड शो हो रहे हैं उनको लिमिट में कर दो। अगर आपका एक पेज है उसमें 1200 वर्ड है तो आप ट्राई करो 1200/4, मतलब उस पेज पर मतलब उस आर्टिकल में आप 3 से ज़्यादा एड शो मत कराओ या फिर 4 से ज़्यादा शो मत कराओ, 300 ले लो चलो भाई ज़्यादा शो करना, तो 4 से ज़्यादा एड शो मत कराओ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए एडसेंस के एड लिमिट लगने में। अगर आप ज़्यादा इंप्रेशन शो करवाओगे तो सिंपल सी बात है आपको इशू हो सकता है, इसलिए 300-400 वर्ड आप लेकर चलो, 300-400 वर्ड के बीच में ही आप एड प्लेस करते रहोगे आपकी साइट पर ताकि आपके साइट एडसेंस अकाउंट पर एड लिमिट का इशू ना आए। लास्ट पॉइंट जो है, जो सब कहते हैं और मैं भी यही कहूँगा कि अपने जो डोमेन नेम है किसी के साथ भी, किसी भी रैंडम गाय के साथ में शेयर मत करो। बाई चांस अगर आप किसी ग्रुप में हो, टेलीग्राम में या फिर कहीं भी फेसबुक ग्रुप में हो, आपसे कोई पूछता है कि भाई आपका डोमेन नेम क्या है, तो सिंपल सी बात है आप उसे मत बताओ, सिंपली उसको बोल दो भाई मैं ब्लॉगिंग ही नहीं करता, मैं सीधे से घूमने आया हूँ, ग्रुप में बात करने आया हूँ, जो भी बोलना आप बोल सकते हो। बाकी सिंपल सी बात यह है कि आप अपना डोमेन नेम किसी भी रैंडम गाय के साथ शेयर मत करना, फिर कहीं भी आप किसी ग्रुप में अपना डोमेन नेम ऐसे ही शेयर मत करना। अगर आपकी वेबसाइट पर अच्छा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है तो आप ये चीज़ कर सकते हो, बिंदास कहीं भी अपना शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आ रहा है तो आपको एड लिमिट का इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बाई चांस
नया ब्लॉग आपने चालू किया, आपको एडसेंस मिला, आपके ट्रैफिक नहीं है और आप सोच रहे हो कि अपने डोमेन को ऐसे शेयर करता रहूँगा हर जगह, कोई भी आएगा मेरे को अर्निंग हो जाएगी, तो अर्निंग का तो पता नहीं है, आपके अकाउंट में एड लिमिट जरूर लग जाएगा, तो उस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखना। बाय चांस अगर आपका कोई डेवलपर फ्रेंड है, मतलब डेवलपर हो या फिर आप किसी यूट्यूबर जैसे मैं हो गया, आप मुझसे कोई गाइड लेना चाहते हो या फिर आप बोलो कि मेरी साइट पर कॉन्टेंट कैसा चेक करो, तो उस केस में आपके ऊपर आप चाहो तो शेयर कर सकते हो उनके साथ अपना डोमेन नेम। बाकी आप अपना डोमेन नेम किसी के साथ ऐसे पर्सनली शेयर मत करना, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा और सब आपको यही सलाह देंगे। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी आपके काम आया होगा, तो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और क्या फिर मिलता है अगले वीडियो में।